पोखड़ पहले रही हैं, कोई वहाँ पानी की निकासी नहीं है। आए दिन वहाँ तालाब जैसी स्थिति, कार्य जून तक पूरा होना था, आज 20% भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। और उस कार्य के चलते चलते एक और वहाँ पर रोड भी और गिरा दी, जो मसूरी का एकमात्र मार्ग था वहाँ पूर्ण रूप से, वहाँ से भी कोई आदमी नहीं आ सकता, तो क्या मसूरी पूरी दुनिया से कट जाएगी? अगर मसूरी में ग्लोबल रास्ता बंद हो जाएगा तो वैकल्पिक मार्ग की तो कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। जन में चारों ओर देखा होगा पूरी, चाहे मार्ग रोड की बात करूं या जितनी हमारी ये प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि आए दिन मसूरी में समस्याओं का अंबार लग गया है, लेकिन निराकरण न माननीय मंत्री जी की तरफ से है, न ही शासन प्रशासन की तरफ से है। इन सब चीजों को लेकर तो पूरी कांग्रेस कमेटी इसके लिए लामबंद होगी, धरना प्रदर्शन के लिए, भूख हड़ताल के लिए, हर चीज के लिए की, और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की होगी। हमारे आज जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे हम वार्ता करेंगे। दुकान है, कम से कम एक महीने पहले वो रोड गिर चुकी थी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उसके द्वारा ही थर्माकोल की वहां पर वो लगाई जा रही है। शासन प्रशासन की तरफ से वहां पे भी कुछ नहीं किया गया, वहां पे एक आदमी गिरा, रेबिल तक नीचे तक गिरा, गंभीर तैयार हो गई, तब उनके द्वारा वो मार्ग बंद कर दिया जाता है, तब भी उसका कोई निराकरण नहीं किया जाता, उसका कार्य प्रारंभ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी मसूरी इकाई भी जो है मसूरी की समस्याओं पर जो है एक प्रेस वार्ता आयोजित की, और मसूरी की बहुत समस्याओं से सरकार और शासन प्रशासन को अवगत कराने का एक निर्णय लिया कि मसूरी में भारी बरसात के कारण उससे पहले भी, बारिश न होने के बाद पहले भी सड़कों की इतनी बड़ी दुर्दशा, चाहे वो सड़क नगर पालिका की हो, चाहे सड़क पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे यातायात के साधनों को सुलभ कराने की हो या वैकल्पिक मार्ग के देने की बात हो, उसका एक जीता जागता उदाहरण 28 दिन पहले जो है भारी वर्षा के कारण जो है लंडोर को जाने वाली सड़क जो है नगर पालिका की सड़क गिर जाती है, उसका पुस्ता गिर जाता है। जब वहाँ पर उसको यातायात के लिए बाधित करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर एक नौजवान जो है गिरते गिरते नीचे चला जाता है और उसको जो है घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया। लोगों ने जागरूक होकर कहा कि भाई इस मार्ग को आप तत्काल में बनाइए, लेकिन तत्काल बनाने की तो छोड़ दीजिए, आज 28 दिन हो गए हैं, उसको जो है बंद कर दिया गया। बंद करना किसी मार्ग का जो है कोई ऐसा निदान नहीं है, बंद करना निदान नहीं है, बल्कि उसको तत्काल समय में पहली प्राथमिकता में, अरे कुछ काम तो ऐसे होते हैं शासन प्रशासन के पास, क्या ये इतना भी 10-20 लाख रुपए का पैसा नहीं है, या 10-20 लाख रुपए का काम जो है शासन नगर पालिका और प्रशासन नहीं करा सकता, तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि इससे ये मालूम होता है कि शासन प्रशासन तो उदासीन हुआ, बीजेपी में के जो सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, वो भी उदासीन है, और जो जनप्रतिनिधि भी यहाँ से विधानसभा में गए हैं, विधायक माननीय विधायक जी, वो भी उदासीन लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा मंत्रिमंडल और छोटी छोटी सड़कों का जो है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। अरे सरकार को तो उत्तराखंड में तो सरकार को इससे जाना जाता है कि गंडा मुक्त सरकार। अब कुछ दिनों बाद कहना होगा कि गड्ढा गड्ढे में पानी भरकर जो है सारी सड़क ही खत्म हो गई, वो भी सारे पुस्ते इसी तरह निकलते चले जाएंगे और यातायात बाधित होता चला जाएगा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे हमारा मंत्री सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री है और तब इसकी शहर की ये दुर्दशा हो तो ये दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कि इन जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो LKD रोड हो, चाहे कोरू खेत जो है झड़ी पानी रोड हो, तमाम सड़कों को शहर के अंदर जो है एक छोटी सी सड़क है कंपनी बाग वाया हाथी पाँव, जिसको कि वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, उसकी आज तक सुध नहीं ली गई। जब हमने 15 साल पहले उसको छोड़ा था वहीं पर वो चीज़ें सब उठा होते, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवर की हो। पानी की समस्या 144 करोड़ रुपए का परियोजना इस मसूरी के लिए आई, 24 MLD पानी उस पर आना है,
कब पूरा आएगा, खाली रिबन काटने की जल्दी होती है, रिबन काट दिया गया। अब पानी व्यवस्थित है या नहीं है, कितना एमएलडी पानी चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक पानी आया, इतना बड़ा व्यवधान, शायद देखो परियोजना बन गई, लाइनें बिछ गई, जबकि राइजिंग मेन जो है कभी अंडरग्राउंड नहीं होती, इन्होंने राइजिंग मेन को सड़कों को खोद खोद के अंडरग्राउंड कर दिया। अब आप बताइए 11 केवीए का जो है कनेक्शन है बिजली का, और 33 केवीए के बेस जो है मशीनें वहाँ लगी हुई है, तो क्या 11 केवीए का पर जब तक बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो मशीनें सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो ये तो परियोजना की खामियां हैं। जिस दिन ये ब्लास्ट होगा उस दिन सड़कें तो सड़कें नहीं, पता नहीं क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि ये राइजिंग मेन जो है अंडरग्राउंड कर दी गई है। यही स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि सीवर की है, सीवर की हालत सबके सामने है। सीवर एक ऐसी स्थिति में है कि जो अभी 100 करोड़ रुपया और चाहिए इनको, 72 करोड़ रुपया तो मैंने अपने टाइम में दिलाया था, उसके बाद अब 100 करोड़ और चाहिए। आधा शहर अभी सीवर से जुड़ा नहीं है, और जो जुड़ा है वो सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट भी अभी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाए हैं। तो हर वो देखो जो भी टैंक है वो ध्वस्त होते चले जा रहे हैं, अवरुद्ध होते चले जा रहे हैं, रोज सड़कों में जो है, नालियों में, सड़कों में जो है सीवर बह रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, और इतनी बड़ी योजना हुई। तो आप ये समझिए ना कि टाउन हॉल तो जो है 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, रिबन कट गया था या नहीं कटा, आज ये बताएं कि गणेश जोशी जी बताएं, क्योंकि माननीय विधायक हैं और माननीय मंत्री भी हैं, सरकार भी हैं, ये बताने का कष्ट करें कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो नगर पालिका का टाउन हॉल है, वो किसी एमडीडी और किसी व्यक्तिगत किसी की धरोहर नहीं है। क्या उसको इस्तेमाल करने का अधिकार यहाँ की जनता को नहीं है? कितना बड़ा दुर्भाग्य, किससे अनुमति ली जाए, कौन परमिशन देगा, आज तक ये पता नहीं चल पाया। सिर्फ हाँ भाई गणेश जोशी जी के प्रोग्राम, पालिका देश के प्रोग्राम होंगे, उनको तो आहूत कर दिया जाएगा, और बाकी जनता कहाँ। आज मजबूर होकर मसूरी शहर की जो हालत है, जो मत से बदतर होती जा रही है, उसके लिए आज आपके माध्यम से एक प्रेस वार्ता रखी गई। ये पहला संकेत है पूरी सरकार को, माननीय विधायक जी को, मंत्री जी को, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, कि यदि जो हमने आज 5 सूत्री बातों को लेकर जो प्रेस वार्ता की है, एक जिसमें मुख्य रूप से लंडौर मसूरी जो मार्ग है, जो आज से 1 महीने पहले गिर गया था, लेकिन उसका आज तक भी कोई उपचार की कोई नीति नहीं बनी है, कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई कार्य टेंडर आप छोड़िए, आप त्वरित गति से उसमें कार्य करेंगे। ब्लोकी पावर हाउस जिसका निबन तो जनवरी में कट जाता है, जून तक कार्य पूरा करने की बात की जाती है, आज जून में इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि मुख्य मार्ग आज पूर्ण रूप से बंद होने की दशा में है। जो हमारे संपर्क मार्ग है, जो मसूरी को जोड़ते हैं, चाहे मसूरी पुनर्जीवित मार्ग हो, चाहे मसूरी किमाड़ी मार्ग हो, उनकी ऐसी दुर्दशा है कि वो संपर्क मार्ग कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो जाए तो वो किसी काम नहीं आ सकते। वहीं मसूरी की जो माल रोड है, जिसमें 12 करोड़ की वजह से मसूरी माल रोड का सौंदर्यकरण किया गया, उसमें आज चौक चौराहों पर हर जगह कॉन्क्रीट बिखरी हुई है, कोई माल रोड उखड़ कर बिखर रही है, कोई पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो चैम्बर लगाएंगे वो लोहे के चैम्बर लगाएंगे, जो आए दिन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। वहीं लाइब्रेरी और 0 पॉइंट को जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे है उस पर हमने पूर्व में किया था कि उसमें टाइल ना लगाई जाए, लेकिन कुछ ऐसी टाइल लगाई जा रही है जिनको कार्य दिखाने के लिए तो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइल लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे वैसे ही वैसे वो टाइलें उखड़ती जा रही है। तो क्या एक NH सिर्फ टाइलों के माध्यम से चलेगा, जहाँ पर इतने भारी वाहन चलते हैं, ट्रक चलते हैं, इतने पर्यटक वाहन जाते हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्था है? मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कांग्रेस कमेटी की ओर से, यदि जल्द आपके द्वारा इन माननीय विधायक और मंत्री जिनका नैतिक कर्तव्य है शहर के प्रति, वो आए दिन और कामों में तो लगे रहते हैं, जो लेकिन जो मूलभूत समस्या है उन पे आप काम कब काम करेंगे? 15 साल से आपको जनता मौका दे रही है, लेकिन धरातल पे आप कब काम करेंगे? जनता के उपयोग में आने वाली चीज़ों का सुधारीकरण कब करेंगे? मैं माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और प्रदेश सरकार को चेताना चाहता हूँ, यदि ये कार्य त्वरित गति से ना किए गए तो कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी मजबूर होगी, और प्रदेश जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं करण महाराज जी के नेतृत्व में, यहाँ मसूरी शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जैसे कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए पूरा शासन प्रशासन और पूरी प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। बिना गार्जियन के
शहर में कोई सुनने वाला नहीं, जो शहर की आम जनमानस समस्या है, जो बरसात से आपदा आ रही है उसमें बहुत जल्दी कोई ऐसा अवर्जेंसी कार्य नहीं हो रहा। कार्य तब होगा जब कोई ना कोई पब्लिक, तो इसी संबंध में आज रखी थी और बहुत डिटेल में हमारे जिन ने अपने प्रेस में भी कहा उसमें भी कहा, तो लेकिन हम वो शासन प्रशासन से यही कह सकते हैं सरकार से कि भाई जो भी समस्या इस शहर की उसका निस्तारण बहुत जल्द से जल्द करें, जिससे कि आम जनमानस, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सड़कें टूटी, आज जो है मालरोड पे कुश्ता गिर गया है, और उस पर गरीब लोगों के रिक्शे, मजदूर संघ वालों के रिक्शे, साथ रिक्शे लग गए, जिनको कि आज रोटी खाने के दाने पड़ जाएंगे जब तक उनको कोई रिक्शा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं होता। अब सरकार के क्या नॉर्म्स हैं या आपदा के क्या नॉर्म्स हैं ये तो वही बताएंगे, या SDM ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मसूरी बताएंगे, या DF अधिकारी देहरादून बताएंगे, या सरकार बताएगी। मैं तो सरकार से और जो स्थानीय विधायक है जो मंत्री जी हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपने विवेकाधीन से माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों को राहत, अच्छी राहत मिलनी चाहिए, जिससे इनकी रोजी रोटी चल सके, उनको नए रिक्शे मिल सके। और जो समस्या है उसमें बहुत जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। आज मसूरी की एक और है जो गलोगी में कार्य चल रहा है, आज मैंने सुना कि बड़े वाहन रोक दिए गए, चलो पेट्रोल और गैस तो मेरे ख्याल से छूट दे रखी है, पर लेकिन जिनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अगर 10 दिन बजरी नहीं आएगी या वो ट्रक नहीं आएंगे बड़े वाले, निश्चित की बात है कि मुझे लगता है कि वो ट्रक जो है 5,000 रुपये 10,000 रुपये उसके रेट और बढ़ जाएंगे, और सीधा सीधा उसका बोझ जो है गरीब आदमी के सर पे पड़ेगा, जो कि उसकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी टूटने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस सरकार इन समस्याओं से जो आज समस्या यहाँ पर रखी गई है इसका निस्तारण जल्दी से नहीं करेंगे तो हम जो है इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को पूरा चेताने का काम। बसें और जो अब जो बड़ी बसें या रोडवेज की बसें या टेबलेट जो हैं, जिससे कि मसूरी की जो रोटी रोटी जिससे जुड़ी हुई है, इस साल आपने भी देखा हो, प्रेस के माध्यम से भी देखा होगा कि मसूरी का जो पर्यटन सीजन जून के महीने में चलता है, जो कम से कम 30 से 45 दिन मई से लेके 30 जून तक चलता है, वो स्थिति आ जाए क्योंकि जो डीजल होटल वाले छोटे होटल वाले भाग लेकर तैयार है, और ऐसी स्थिति में अगर बसेज टेम्पो ट्रेवल नहीं आने देंगे तो वो टूरिस्ट निश्चित बात है कि मसूरी के बजाय वो कहीं दूसरे स्थान में चला जाएगा, इसके डाइवर्ट हो जाएगा, नैनीताल डाइवर्ट हो जाएगा या कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा, तो सीधे सीधे जो है केएफटी फॉल से लेकर आपके धनोल्टी तक टेरी चंबा तक जो है लोगों को व्यवसाय में इतना फर्क पड़ेगा कि सरकार उसमें कोई मदद करने को तैयार नहीं, बिना उसमें कोई रेमेडी नहीं मैं भी डिटेल में अभी प्रेस में बताया गया 3 किलोमीटर जो उसका कच्चा रास्ता है जो जैक वाला है उसमें बड़े बसेस नहीं आ सकती हैं, ना ये 8 टायर के ट्रक आ सकते हैं, ना 6 टायर के ट्रक आ सकते हैं, कोई घटना घट गई तो एक और मुसीबत सरकार के गले में पड़ेगी। लेकिन व्यवस्था यह है कि रात दिन का काम जो ये ऐसा काम तो है नहीं, ये तो टेक्निकल काम है जो गलोगी में हो रहा है, तो मशीन से होना है, इसमें किसी मजदूर ने वहाँ गैंती नहीं चलानी, इसको रात दिन करें कम से कम मलबा तो रुके, और नीचे का जो पोर्शन गिर रहा है उसको जल्दी जल्दी सब संभालने का काम। सबसे पहले तो यह है कि उसका टेंडर किस कंपनी के नाम है, उस टेंडर में कितनी अवधि उसको दी गई है, आपातकालीन टेंडर है, आपातकालीन में तो समय कम से कम देना चाहिए, और कहीं इसका उजागर नहीं है, ना सरकार ने कहीं पर उसको कहा, ना स्थानीय विधायक मंत्री ने कहा कि 3 महीने में बनेगा या 4 महीने में बनेगा या 5 महीने में बनेगा। अब बरसात का समय अब काम ही नहीं चलने का हुआ, आप देख रहे हैं जब भी लेबर काम करती है इतने में बरसात शुरू हो जाती है, लेबर अपने घर चले जाते हैं, काम वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई बहुत बड़ी दुर्घटना को बुलावे का काम PWD वहाँ पर कर रही है। मेरी एक कंपनी से कल बात हुई जो NH में काम करती है, स्थानीय कंपनी उत्तरकाशी की, उसने कहा हम इसीलिए PWD में इस तरह के कार्य जो पेजिंग के कार्य हैं उस कार्य को हमने करती है, इनकी कार्यशैली, इनकी गुणवत्ता, इनका नॉलेज 0 है। जो आदमी मालरोड के एक पुस्ते को लगाने के लिए 14.5 महीने लगा दिए, जिसमें कि गरीब आदमी की जान चली गई है, तो ये तो बहुत बड़ा 21-22-30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, है 3 विभागों से उसका एस्टिमेट बनाया गया, शर्म आनी चाहिए, सबने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, उसके बाद जो है तुम 4 खंभे खड़े नहीं कर सके 1.25 साल में, तो आप लगा सकते हो कि ये मसूरी में इतना बड़ा कार्य करेंगे। NH के हाल देखिए, सड़कों के हाल देखिए, हर दूसरे महीने नालियाँ बन रही हैं,
स्लैब आ रहा है, कहीं पुस्ता गिर रहा है, कहीं बैरिकेडिंग गिर रही है, कोई आम जनमानस की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तीन चार विभाग अगर ये बहुत जल्दी इस काम को नहीं करेंगे तो हम अपने कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष कर्ण मेहरा जी से अनुरोध करेंगे और इसका धरना पड़ जरूर देहरादून में भी।